हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है किसी पतले तार से जुड़े द्रव्यमान m को किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। इस तार के टूटने की अधिक संभावना तब है जब द्रव्यमान उच्चतम बिंदु पर हो, तार क्षैतिज हो, द्रव्यमान निम्नतम बिंदु पर हो, तार ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के झुकाव पर हो। अब देखिए, हमारे पास एक कोई तार है, एक केंद्र मान है। तार से हमारा एक एम द्रव्यमान की वस्तु लगी हुई है और वस्तु का भार नीचे की तरफ कितना होगा, एम जी होगा। और मान लीजिए अगर ये वस्तु वी वेग से चल रही है तो इस पे बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल कितना लगेगा, एम बी स्क्वायर बटा आर लगेगा, जहां पे आर ये तार की लंबाई या इस वृत्त की त्रिज्या है और तार में ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तनाव। अब देखिए, और सभी पॉइंट पे क्या होगा, एम जी नीचे की तरफ लगेगा, पर यहाँ पे तनाव टी का मान किसके बराबर होगा, एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बटा आर के बराबर होगा। तो एम बी स्क्वायर बटा आर तो हर एक पॉइंट पे, चाहे यहां की बात करें यहां भी बाहर की तरफ ही लगेगा, बट इस दिशा में एम जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो उसका कोई घटक कार्य नहीं करेगा। और द्रव्यमान अगर सबसे ऊंची पोजीशन पे होगा तो उस दशा में टी भी नीचे लगेगा और एम जी भी नीचे लगेगा और बाहर की तरफ क्या लगेगा, केवल एम बी स्क्वायर बटा आर लगेगा। तो अब देखिए, न्यूनतम बिंदु पर हमारा तनाव टी वन का मान कितना आ गया, पहली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जब हमारा तार क्षैतिज हो उस पोजीशन पे तनाव टी टू का मान कितना होगा, एम बी स्क्वायर बटा आर के बराबर होगा। और जब तार ऊर्ध्वाधर पोजीशन पे है तब हमारा तनाव टी थ्री कितना होगा, एम बी स्क्वायर बटा आर माइनस एम जी के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो सर्वाधिक तनाव कहाँ पे होगा, वस्तु पर न्यूनतम बिंदु पर होगा, तो वहीं से तार के टूटने की संभावना अधिक होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।